एक बार एक से दो आदमी एक रास्ते में हमने देखा कि एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था, वो गड्ढा खोद रहा था फिर दूसरा आदमी मिट्टी डाल रहा था। साइड से एक आदमी निकला, उसने कहा भाई साहब आप गड्ढा खोद रहे हैं और दूसरा आदमी ये गड्ढा पाट रहा है, इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा भाई साहब ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें तीन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, एक आदमी को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पेड़ रखना था और तीसरे को मिट्टी डालनी थी। तो जो पेड़ रखने वाला था आज वो छुट्टी पर है। तो अगर आप पेड़ रखने वाले लोग अगर छुट्टी पर हो जाएंगे तो एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करें। मैं चाहता हूं कि गजल के पहले शायर को आमंत्रित करूं, बहुत बड़े बड़े रचनाकार कवि और शायर हमारे मंच पे हैं, लेकिन आपके जनपद के एक ऐसे श्रेष्ठ शायर से मैं निवेदन करता हूं जो उस्ताद शायर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरे देश में बड़े मन से और प्यार के साथ सुने जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई सफेक बलरामपुरी साहब हमारे बीच में हैं, वो आए और अपने कलाम से, अपनी गजल से, अपनी शेर शायरी से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आप लोग जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई सफेक बलरामपुरी साहब। एक मतला चंद शेर समाज पर मैं मोहब्बतों का जो पैगाम आम हो जाए, वाह वाह क्या कहने, वाह वाह बहुत दिल जले लोग बैठे हैं। आइए भाई साहब इधर आ जाइए, जब पुरुषों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ। भाई साहब के लिए तालियां जोरदार हो जाएं और सफेद भाई माइक पर। वाह मोहब्बतों का जो पैगाम आम हो जाए, मोहब्बतों का जो पैगाम आम हो जाए तो सारे उम्र की हसरत तमाम हो जाए, तो सारे उम्र की न गम दो इतना कि आंखों में अश्क आ जाए, न गम दो इतना कि आंखों में अश्क आ जाए, न इतना चाहो के जीना हराम। वाह वाह भाई तालियां, वाह वाह, माला पहनो चचा, वाह बहुत अच्छा। माजरत के साथ खुशी की बात यह है कि हमारे बीच एक्स मिनिस्टर यूपी जनाब टीटू सिंह साहब तशरीफ ला चुके हैं। कमेटी के अराकीन से गुजारिश है कि वो उनका बाहर आकर इस्तकबाल करें और उनको उनके नशिस्त पर ले जाके बैठाएं। न गम दो इतना कि आंखों में अश्क आ जाए, न गम दो इतना कि आंखों में अश्क आ जाए, न इतना चाहोगे जीना हराम हो जाए, न इतना चाहोगे जीना हराम। कभी तो दिल की हमारे उदास बसती में, हुजूर आपका कुछ पल कयाम हो जाए, हुजूर आपका कुछ पल कयाम हो जाए। शुक्रिया। चलो ऐसा किए महफिल है आरज़ू सब की, चलो ऐसा किए महफिल है आरज़ू सब की, तुम्हारे हाथों से एक एक जाम हो जाए, तुम्हारे हाथों से बहुत अच्छा चाचा, क्या कहने। अरे बहुत पुराने चावल है, मजाक बात थोड़ी है चाचा, एक और हो जाए। और ये शेर लड्डू भाई की नजर है। वाह
जनाब शेख भी आए हुए हैं महफिल में, जनाब शेख भी आए हुए हैं महफिल में। ये शाम आज उन्हीं के ही नाम हो जाए, ये शाम आज उन्हीं के ही नाम हो जाए। अरे एक और हो जाए चाचा, अभी कहाँ जा रहे हैं, एक बार तालियां हो जाए जोरदार। गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ समाज का, हाँ बगैर बैर के। वो जिनको शाही का तर्जो हुनर नहीं आता, वो जिनको शाही का तर्जो हुनर नहीं आता, उन्हीं को रास खला का सफर नहीं आता, उन्हीं को रास खला का सफर नहीं आता। समंदरों की जो तह में उतर नहीं सकते, समंदरों की जो तह में उतर नहीं सकते, उन्हीं के हिस्से में, उन्हीं के हिस्से में लालो गोहर नहीं आता, उन्हीं के हिस्से में लालो गोहर नहीं आता। अमल से कोर है, अमल से कोर है, ऊंची उड़ान है जिंदगी, अमल से कोर है, ऊंची उड़ान है जिनकी, उन्हीं के कौल कसम, उन्हीं के कौल कसम में असर नहीं आता, उन्हीं के कौल कसम में असर नहीं आता। गुलों को कब से शिकायत है बागबानों से, गुलों को कब से शिकायत है बागबानों से, चमन में कोई भी अब नगमा गर नहीं आता, चमन में कोई भी अब नगमा गर नहीं आता। तुम अपने पे खुद ही गौर करो, तुम अपने तर्ज तगाफुल पे खुद ही गौर करो, तुम्हारे शहर में दीवाना घर नहीं आता, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे शहर में दीवाना घर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया।